आइए ये है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं ये वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी 40 और 30। अगर मैं सरफेस को बात करूं S1 और S2 कर देता हूं ये सरफेस में मान लेता हूं S1 है इस सरफेस को मान लेता हूं मैं S2 है और यहां पर इन्होंने पानी भर रखा है फोकल लेंथ है और ये ग्लास है ही सही 3/2 का ठीक है आपसे पूछता है कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ठीक है तो देखते हैं यहां पे क्या क्या है एक ये वाटर है और एक ये ग्लास है तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर निकाल देते हैं और फोकल लेंथ ऑफ ग्लास निकाल देते हैं इन दोनों को आप कर देते हैं ऐड तो ये आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट अब हमें एक एक करके ये चीजें निकालनी है तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर निकालते हैं और ग्लास निकालते हैं बनाइए इसको यानी कि फोकल लेंथ ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं आप यानी कि आप इस तरह के लेंस की बात कर रहे हैं राइट और अगर आप ग्लास की बात कर रहे हैं तो आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये कैसा है प्लेनो कॉन्वेक्स इसकी फोकल लेंथ हमने निकाल रखी है ऑलरेडी आर अपॉन म्यू माइनस वन देख लीजिए पन्ना पलट करके ठीक है अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और 30 तो ये छोटा वाला सर्किल है तो R1 जो आएगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आएगी 20 और बाहर वाले की क्या आएगी 30 क्लियर है तो यहां पर ये क्या है R1 होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 20 वाटर का 4/3 - 1 ये आ गया आपके पास फोकल लेंथ ऑफ वाटर इसको सॉल्व करोगे तो कितना रहा 60 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट इसकी फोकल लेंथ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो हम लगाएंगे 1/f μl/μm - 1 1/r1 - 1/r2 लेंस के लिए 3/2 एयर है तो 1 - 1 R1 यानी कि इसकी रेडियस और फिर इसकी रेडियस तो ये हो जाएगा बट अब आपको एक बात समझनी है कि साइन कन्वेंशन कैसे लोगे आप इसमें तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है साइन कन्वेंशन लगाने के बाद एक बार पन्ना पलट के देखिए ये फॉर्मूला जो हमने निकाले थे इसमें साइन कन्वेंशन लगा चुके हैं इसलिए मैंने R की वैल्यू 20 डायरेक्ट पुट अप कर दी ठीक है बट यहां पर हमें ये देखना है कि R1 और R2 कैसे रखोगे R को नेगेटिव रखा था यानी कि अगर मैं मान लू को ऑब्जेक्ट ये है लाइट इधर आ रही है ठीक है तो आपको ये दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे सुनिए ध्यान से सुनिए मैं ऑब्जेक्ट यहां मान लेता हूं तो मैं इसको निकालता हूं एक बार इस फॉर्मूले को निकाल करके बताता हूं तो म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो म्यू एल हो गया 4/3 - 1 इसकी क्या होगी इन्फिनिटी और आर टू क्या रखा हमने -20 4/3 - 1 ये तो खत्म हो गया ये 1/20 ठीक है तो ये हो जाएगा 1/20 1/20 1/f तो f कितना आ गया 60 सेंटीमीटर हमने r कैसा लिया नेगेटिव
आर नेगेटिव आप तभी ले सकते हो जब ऑब्जेक्ट आप यहां मानो और ऑब्जेक्ट से लाइट इधर आती हुई मानो, क्लियर। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट यहां पर हो गया और लाइट इधर आ रही है, यानी कि यह आएगा 1/-20, 1/-30। हाँ तो फिर ये भी चेंज करेगा वो भी चेंज करेगा, सीधी सी बात है। कोई भी एक मान लो ऑब्जेक्ट की एक भी, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे निकाल दो, बिल्कुल। बट आपको अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो एक जगह तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा कि लाइट रहा कहां से रही है, सीधी सी बात ये है। तो मैंने मान लिया कि ऊपर से आ रही है, तो आप इसको ना लिख करके आप इसको लिख दीजिए, और ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, लाइट ऐसे आ रही है, आप ऐसे नीचे मान के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से घर पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने कोई भी एक मान लिया है तो यहां रखूंगा, तो 1/f glass 3/2 में से 1, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/20, 1/60, तो ये हो गया आपके पास -3 + 1 2, सर मतलब जैसे इस सर्फेस के लिए कर लो वैसे उस सर्फेस के लिए वैसे किया आपने। हाँ मैंने यार इस सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट मैंने यहां मान लिया तो लाइट इधर आ रही है, अब साइन कन्वेंशन उसी के हिसाब से लगा दूंगा मैं सारे। डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये छोड़ दो, आप ऐसे मान लो डायरेक्ट, तो ये जाएगा -1/60, तो ये जाएगा -120 cm। ये आ गई मेरे पास ग्लास की और ये आ गई मेरे पास वाटर की फोकल लेंथ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, लिख लीजिए। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर, इसको 2 कर देना, इसको 3 कर देना, इसको कर देना 1। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, खत्म। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि करा क्या है। हमारे पास यह था कि इस सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है, तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, आप यहां भी मान सकते थे, कोई भी एक जगह हमने मान लिया। जब हमने यहां माना तो हमारे पास, हमें पता लगा कि दो सिस्टम है हमारे पास, एक वाटर और एक ग्लास। अगर दो लेंस मान लूं मैं, लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2, इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ निकाल दूं, यानी कि वाटर वाले लेंस की फोकल लेंथ और ग्लास वाले लेंथ की फोकल लेंथ, इन दोनों को मिला दूं, तो आपके पास फाइनल आ जाएगी। अब मैंने कहा निकालनी कैसे, तो मैंने लेंस में का फॉर्मूला लगाया, 1/f μl - μn, ये सब रख दिया। लेंस का मीडियम क्या है, 4/3, तो 4/3 किसमें रखा हुआ है, एयर में, तो एयर 1/r1, r1 क्या है इसकी रेडियस, यानी कि इंफिनिटी। r2 मैंने ये माना तो ये इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट मैंने इधर माना, लाइट इधर है, यानी कि -20। इसको सॉल्व करा तो फोकल लेंथ आ गई 60। अब मैं यहां आया, फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला वही सब। अब मैंने कहा इसके लिए रेडियस क्या मानू, इसको मैं r1 मान लेता हूं एक बार, और इसको मैं क्या मान लूंगा r2, और दोनों ही लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट नीचे आएगी, तो इसको -20 - -30 दोनों को सोल्व करा -120। ये दोनों वैल्यूज 60 और 120 इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आ गई मेरे पास 120 cm। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए पहले, क्लियर। चलिए फिर अब इस 2 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां से एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आता है, क्लियर जनरली। तो लिखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी तक आपने एक चीज पढ़ी है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम पढ़ते थे V/U और H2/H1, ठीक है। और यहां पे अगर हम लेंस के लिए बात करते थे V/U, ठीक है, ये हम पढ़ते थे लेंस के लिए। और हाँ, और V/U H2/H1 ये हम पढ़ते थे फॉर मिरर,
बट आज हम आपको पढ़ाएंगे मैग्नीफाइंग पावर. दोनों अलग अलग होती है. पहले आप ये लिख लीजिए, या इसको आप बोलते हो लीनियर मैग्निफिकेशन. और ये कहलाता है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन. लिख लीजिए. और इसका फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा. अब बीटा क्या है और अल्फा क्या है, सारी कहानी यहां पर है और इतना क्लियरली किसी बुक में लिखा नहीं है. बट लिखिए आप बीटा क्या है. लिखिए, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कैपिटल डी. ब्रैकेट में लिखिए 25 सेंटीमीटर. कॉपी के टॉप पर लिखिए कैपिटल डी. कॉपी के टॉप पर लिखिए कैपिटल डी क्या है. आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, पढ़ा है मिनिमम डिस्टेंस फॉर एक्यूट विजन. याद आया मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ ए नॉर्मल आई. क्लियर विजन ऑफ ए नॉर्मल आई. अल्फा लिखिए. अल्फा क्या है. एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी. बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. पर अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. आइए लिखिए सबसे पहली डिवाइस सिंपल माइक्रोस्कोप. क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप होता है अ कॉन्वेक्स लेंस. सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस आपको दे देगा, वही आपके लिए क्या है माइक्रोस्कोप होता है. आपने कई बार यूज भी करा होगा ऐसे ऐसे करके, तो वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप. अब देखिए क्या है कंडीशन. आप जो चीजें देखते हो वो आप सीधी देखते हो, पास लाके देखते हो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लग करके देखते हो. उस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है हमारे पास ये, और ये लाइट रे अगर यहां से जाती है पैरेलल तो कहां से जाएगी, फोकस से, और एक जाएगी ऐसे और इसको पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये बनेगी आपके पास इमेज. ये हो गया मेरे पास ए बी, ये हो गई इसकी इमेज ए डैश बी डैश. और आप अपनी आंखों को यहां नहीं रखते, आप अपनी आंखों को यहां रखते हैं. तो इसीलिए जो आप कह रहे थे ओ, वो बेसिकली आंख के ऊपर ही है. आप ऐसे करके देखते हो चीजों को, तो आप ओ भी कह सकते हो और आंखें आप यहां रखते हो. बिल्कुल क्लियर, बनाइए डायग्राम. ये हो गया आपके पास यू. तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, बीटा बाय अल्फा. अब बीटा की वैल्यू निकालनी. बीटा क्या है, इमेज आंख पर जो एंगल बना रहा है. तो ये जो एंगल बनाएगा यहां पर वो क्या होगा, बीटा. ये रहा, कब, जब मैं ये मान लूं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है. अगर मैं ये बोल दूं कि ऑब्जेक्ट जो मेरे पास ए बी है ये आंख पर एंगल बनाता है अल्फा, कब, जब ये डी डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो अल्फा तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा टेन अल्फा, एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, इज इक्वल टू अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन माइनस डी. मैं साइन कन्वेंशन यही यूज करूंगा ताकि फाइनल फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करूंगा. ये मेरे ऊपर नहीं है, ये एनसीईआरटी वालों ने ऐसे ही करवा रखा है. हाँ बताऊंगा, पहले लिख लीजिए इसको. तो टेन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली बीटा ए बी
अपॉन यू, हो गया। बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू दोनों रख दो, ए बी अपॉन माइनस यू, ए बी अपॉन माइनस डी, तो ये आ गया डी बाई यू, हो गया। अब यहां पर हमारे पास दो केस आते हैं, ठीक है, सही है। एक होगा व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, और दूसरा होगा व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। देखिए इसको, और इसमें इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टेड केस। पहले मैं इसको निकालता हूं, ध्यान से समझना। अगर फाइनल इमेज यानी कि यह वाली इमेज डी पर बन रही है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर यह इमेज डी पर बन रही है तो वी की वैल्यू डी हो जाएगी, और साइन कन्वेंशन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि माइनस डी। एक बार यहां यूज कर दिया साइन कन्वेंशन, एक बार यहां यूज कर रहा हूं, दो बार हो जाएगा फिर आप नहीं कर पाओगे। और यू कितना है? यू तो मैंने माना माइनस यू ही है। अब इसको मैं लगाता हूं फॉर्मूले में, वन अपॉन एफ वन अपॉन वी मिरर के, ये हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन एफ, वी हो गया मेरे पास वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन माइनस यू, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको इधर करके उसको उधर कर देता हूं, इसको सॉल्व करके तो ये हो जाएगा एफ डी डी प्लस एफ, हो गया वन अपॉन यू। ये वैल्यू रख दी है आपको इक्वेशन नंबर वन में वन अपॉन यू की, ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या केस था? When final image is at infinity, ये हमारा normal adjusted case है, याद रखना। जब तक कुछ नहीं कहते हम यही मानते हैं, हाँ, जब तक कुछ ना कहे। तो final image infinity पर है तो v क्या हो गया? Infinity। अब v अगर इंफिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? फोकस पर। तो रख दो ये वैल्यू, u की जगह क्या रख दोगे आप? f। तो m इक्वल्स टू d बाई f। तो बेसिकली हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट हम कहां रखते हैं? o और f के बीच में। तो इमेज हमारी बनती है यहां। अब मुझे ये पता करना है कि इमेज जो है वो आंख पर कितना एंगल बनाती है कि बीटा। तो मैं इमेज से ना निकाल करके मैंने ऑब्जेक्ट से निकाल दिया, क्योंकि ये भी उतना ही एंगल बनाएगा जितना कि ये बना रहा है। तो मैंने बीटा का टेन बीटा की वैल्यू यहां से निकाली साइन कन्वेंशन का यूज करके। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको डेरिवेशन, ऐसा कैसे लिख करके देखोगे तभी याद होगा, क्लियर। फिर मैंने कहा अल्फा, अल्फा क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट डी पर होगा तब कितना एंगल बनाएगा। तो मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट डी पर होता और अल्फा एंगल बना रहा होता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मैंने ये वैल्यू निकाल सकता था, और ये दोनों वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में रखी तो मेरे पास ये फाइनल फॉर्मूला आया। अब इसमें दो बातें हैं, पहला कि आपके पास फाइनल इमेज अगर डी पे बनती है तब क्या होता है। अगर फाइनल इमेज डी पर बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? माइनस डी। यू कितना हो जाएगा? माइनस यू। कि सर यहां की फॉर्मूला लगा रहे हो, यहां पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये वैल्यू मैं इसमें रखने वाला हूं। अगर ये वैल्यू मैं इसमें रखता ना तो मैं नहीं लगाता, बट यहां मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू रखी इस फॉर्मूले में और इसको कैलकुलेट करा तो मैंने 1 अपॉन यू की वैल्यू निकाली। किसे 1 अपॉन वी की क्यों निकाली, यू की क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ये मेरे पास क्या है? डी इंटू 1 अपॉन यू, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। बेसिकली दोनों केस में मेरे पास ये है कि मैं यू की वैल्यू निकाल दूं। यहां मैं यू की वैल्यू माइनस यू रख देता यहां पर तो फिर से यू आ जाता। तो मैंने 1 अपॉन यू की वैल्यू अपना लेंस फॉर्मूला यूज करके ये निकाला और ये वैल्यू यहां पे पुट अप करी, सॉल्व करा तो मेरे पास ये आया।
अब यहां जब आया तो यू की वैल्यू एफ आ गई। अब मैं इसको ऐसे निकालने का मतलब ही नहीं, जब डायरेक्ट ही आ रही तो डायरेक्ट रख दी मैंने, तो ये दो फॉर्मूले आ गए। अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होती है तो मैग्निफिकेशन अगर 100 आ रहा है तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 101। सिर्फ एक ही तो ज्यादा आ रहा है, और इसमें फाइनल इमेज कहां रखी है, डी पर। डी होता है यहां पर। जब भी इमेज को आप डी पर रख करके देखते हो तो आंखों में स्ट्रेस रहता है, लेकिन है ना, और मैग्निफिकेशन कितना है, 101। और जब आप इंफिनिटी पे रखोगे तो मैग्निफिकेशन कितना है, सिर्फ एक कम, लेकिन आंखें रिलैक्स है। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, इंफिनिटी पे रखोगे, सिर्फ एक के चक्कर में आंखें थोड़ा खराब कर लोगे। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में हम ये काम करते हैं, इसलिए नॉर्मल एडजस्टेड केस इसी को कहते हैं। ठीक है, यह है आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर, एक ये फॉर्मूला और इसके दो केसेस आपको रखने हैं। आगे लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब दो चीजों से मिलकर के, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, एक। अगर आपने कभी लैब में देखा हो तो इस तरह की कोई चीज देखी होगी आपने, और यहां पर कोई होता है ना सब कुछ। अब मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको पता रखे कि आप आई कहां रखते हो, यहां पर। तो ये होता है हमारे पास आई पीस, और ये कहां होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल, ट्यूब लेंथ। जो आंखों के पास होता है उसका अपर्चर यानी कि डायमीटर बड़ा होता है, मोर अपर्चर, जबकि ये छोटा होता है, लेस अपर्चर। अब इसको हम बनाते हैं अपने रे डायग्राम में। तो रे डायग्राम कहता है कि अगर ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस, हाँ, ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आईपीस। ध्यान से देखना, तो बड़ा ही तो है, कंजर है, ये आईपीस है ना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका मैंने माना यहां पर है, ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ये इतना है, तो यहां भी क्या होगा, एफ ओ। यहां से सीधी लाइट जाएगी, कहां से निकलेगी, फोकस से। एफ के पीछे है तो एफ के आगे इसकी इमेज बन जाएगी इस तरह से। क्लियर, ओके, सुनना अब ध्यान से। मैं ये कहता हूं कि ये लेंस इस वक्त यहां नहीं है, ये लेंस इस वक्त यहां है, और इसका फोकस यहां पर है, तो आप इस ट्यूब की लेंथ को एडजस्ट करोगे, आगे पीछे करोगे, और इस लेंस को खिसका करके इस तरह से करोगे कि ये वाला इमेज जो है वो इसके फोकस के बीच में आ जाए। तो इसको मैं आगे खिसकाऊंगा अपने स्क्रू से, और ये आगे खिसकता 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 ऐसा आ जाएगा, यानी कि ये केस हो गया मेरे पास ये वाला, और ये बन गया मेरे पास एफ ई। ये अब अगर आप देखेंगे तो ये वही केस हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था, और यहां से लाइट रे, इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट होगी ना। हाँ हाँ, अब ये इमेज आप यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गए मेरे पास फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश।
बनाइए डायग्राम। नहीं यहां पर कहीं होना चाहिए, ये जो इमेज है वो इसके फोकस के और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। छोटे वाले एक्सेल लाइट है पैरेलल गई, यहां इमेज बनी, फिर ये बनी, है ना। और मेरे पास ये लेंस यहां की जगह यहां था और इसका फोकस था यहां पर, ये रहा फोकस इसका, ये। तो मैंने इसको स्क्रू टाइट करके इसको इस ऐसे ले आया कि ये इमेज है ना इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच आ गई, ताकि स्क्रू है यहां पे, स्क्रू लगा रखे उससे 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 करके। ये क्या है ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑप्टिकल के लिए। तो ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास UO, ये क्या है इमेज की डिस्टेंस, किसकी, इसके लिए, ये हो गई मेरे पास VO, क्लियर। ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसके लिए, तो ये हो गया आपके पास UO, UE। ये क्या है इमेज, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये हो गई मेरे पास VE। ओके, अब हमें मैग्निफाइंग पावर निकालनी है, यानी कि बीटा बाय अल्फा निकालना है। तो पहले हम बीटा की कैलकुलेशन करते हैं। बीटा क्या होता है, इमेज आंख पर जो एंगल बनाता है, आप कहां पे आंख रखते हैं, इसी के ऊपर जस्ट, यानी कि ये रही आपकी आंख और ये आपके आंख पे एंगल बनाएगा ये वाला, यानी कि ये हो गया बीटा। तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ टू में टेन बीटा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए डैश बी डैश, बाद में वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए मैं एक और डायग्राम का यूज करता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास डी डिस्टेंस पर है तो अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा दैट इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, ए बी माना है ना, ठीक है, ए बी अपॉन डी साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू पुट अप करते हैं तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बीटा दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू बी डैश अल्फा ए बी अपॉन माइनस डी। अब जरा मुझे देख के बताइए, ट्राइंगल ए बी ओ वन एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन लिख सकता हूं, ये साइन समझते हैं, सिमिलैरिटी। ओके, इसका मतलब है ए बी अपॉन ओ वन बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ वन बी डैश, क्लियर। यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ओ वन बी डैश ओ वन बी, इसको देना है क्वेश्चन नंबर टू। M निकाल रहे हैं, कैसे निकल, तो क्या छोड़ दो इसको, बट क्वेश्चन में इनकी वैल्यू नहीं देगा तेरे को, तो हमें उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर टू। तो मैग्निफिकेशन हो गया आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं ओ वन बी वन ओ वन बी माइनस डी अपॉन ओ टू B dash। अब हम वैल्यू रखते हैं इसकी साइन कन्वेंशन के साथ। O1 B1 क्या है ये? O1 B1 क्या है? V not पॉजिटिव में लिख दूं। O1 B क्या है? U not माइनस U not, ये तो लगा हुआ है ही सही। और O2 B dash क्या है? UE। O2 B dash माइनस, तो मैग्निफिकेशन हो गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाय यू ई। कॉपी के टॉप पर लिखो, ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखो,
अब देखो ये क्या है, v बाई यू यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन बाय ओ, डी बाई यू इज सेकेंड वाले के लिए मैग्निफिकेशन पहले भी निकाल चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, सेम ये वाला केस था। तो ये क्या निकला है एम ई, तो टोटल मैग्निफिकेशन इज मैग्निफिकेशन बाय दिस एंड मैग्निफिकेशन बाय दिस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की उल्टी बनी है। ओके okay, एक तो ये बात, एक ये देखिए आपको मैंने ये डायग्राम बनाया था, इसके बीच में ऐसे 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 करके, और मैंने कहा था कि ये लेंथ होता है, तो ये लेंथ क्या होती है ट्यूब की लेंथ इसके और इसके बीच की, यानी कि इस दोनों के बीच में ये लेंथ को क्या बोलोगे ट्यूब लेंथ, और ये किसके बराबर है यहां से यहां तक क्या है वी ओ, और यहां से आगे क्या है यू ई, तो वी ओ प्लस यू ई ये हो गई ट्यूब लेंथ, क्योंकि इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट, तो इमेज प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हो गया, अब यहां पे भी हमारे पास दो केस हैं, केस वन फाइनल इमेज एट डी, केस टू फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। इन दोनों में से नॉर्मल एडजस्टेड केस कौन सा होना चाहिए, नहीं ये आप, मैंने बोला कि जब भी इंफिनिटी वाला होगा वही नॉर्मल एडजस्टेड केस होगा, हाँ तो इसमें नॉर्मल एडजस्टेड केस ये वाला होता है। ठीक है ओके, कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है वी ओ यू ओ छोड़िए यू ई की वैल्यू निकालनी है आपको इसके लिए, और ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, जब फाइनल इमेज डी पर बनेगी तो वी ई हो जाएगा माइनस डी यू ई इज इक्वल टू माइनस यू ई फॉर आई पीस V और U, तो 1 upon F, 1 upon V, 1 upon U, आई पीस के लिए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 upon F, 1 upon D, 1 upon UE, जब इसको सॉल्व करोगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 plus FE by D आ जाएगा ये, ये ऑलरेडी सॉल्वड है हमारे पास। वन प्लस डी बाई एफ ई था, सॉरी वन प्लस डी बाई एफ ई, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन हो गया माइनस वी नॉट यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई, और ये आना भी था क्योंकि इसको हमने पहले भी सॉल्व कर रखा था, उसमें भी वन प्लस डी बाई एफ ई ही आता था 101। अब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो आईपीएस के लिए अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो यूई क्या हो जाएगा फोकस एफई के बराबर, और ये वैल्यू डायरेक्ट मैं इस वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वी नोट बाय यू नोट, वन तो हट गया, डी बाय एफई। क्योंकि जनरली हम इसी फॉर्म में यूज करते हैं इसको, हम माइक्रोस्कोप में इंफिनिटी पे इमेज नहीं बनाते। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया, और इसके लिए यहां से ये हटा देता हूं, ये देखिए, तो d बाई यू वहां भी निकला था, वहां भी मैंने 1 प्लस डी बाई एफ ई निकाला था फाइनल इमेज को d पे रख करके, और ये रखा था, तो सेम ही तो है पीछे वाला केस। ठीक है, तो ये था आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हमें पढ़ना है टेलीस्कोप, और फिर करना है हमें कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप, सॉरी कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप, फिर हमें एक और करना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं इसको।